अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं? आज फिर नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ DIY वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम। जी हाँ व्यूवर्स, आज मैं बनाऊँगी वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम। बेस्ट सीरम है हर स्किन टाइप के लिए, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। विंटर्स के लिए एक अच्छा सीरम है, विंटर्स में क्योंकि हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता, तो इसलिए मैं आज वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम बनाऊंगी। ये सीरम ना सिर्फ आपको ग्लो देगा बल्कि आपकी स्किन को वाइट भी करेगा। तो सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे से चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सीरम को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। एलोवेरा जेल चाहिए, वाइटनिंग कैप्सूल लेंगे, ग्लिसरीन लेंगे, टी ट्री ऑयल लेंगे, लेवेंडर ऑयल और रोज़ ऑयल लेंगे। सीरम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल, हाफ टी स्पून हम इसमें लेंगे एलोवेरा जेल। हाफ टी स्पून मैंने एलोवेरा जेल इसमें ले ली है। हाफ टी स्पून में इसमें ग्लिसरीन डालूंगी। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन की आप क्वांटिटी एक ही रखेंगे, लेकिन आपकी स्किन अगर ज़्यादा ड्राई है और आप इसको विंटर्स में यूज़ कर रहे हैं ड्राई स्किन वाले, इसमें अपनी मर्ज़ी से ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ले लेंगे लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल भी हम इसमें हाफ टी स्पून लेंगे। हाफ टी स्पून मैंने लेवेंडर ऑयल ले लिया है। साथ साथ सारी चीज़ों को मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें ले लेंगे रोज़ ऑयल। रोज़ ऑयल की क्वांटिटी लेवेंडर ऑयल से थोड़ी सी कम रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्किन के लिए तेज़ होता है, तो इसकी हम क्वांटिटी कम ले लेंगे, लेवेंडर ऑयल से थोड़ी सी कम लेंगे। रोज़ ऑयल भी मैंने सीरम में ऐड कर दिया है। टी ट्री ऑयल इस सीरम में ऑप्शनल है। अगर आपकी स्किन पे एक्ने का प्रॉब्लम है तो आप टी ट्री ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि एक्ने के लिए टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इस पर भी मैं एक नए वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊँगी कि टी ट्री ऑयल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं एक्ने के लिए। अच्छे से फिर मिक्स करेंगे इनको और अब हम वाइटनिंग कैप्सूल्स ऐड कर लेंगे। वाइटनिंग कैप्सूल भी, अगर आपको वाइटनिंग इफेक्ट चाहिए तो आप वाइटनिंग कैप्सूल लाजमी ऐड करिएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्लो के लिए सीरम को बना रहे हैं तो फिर वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके बगैर भी इस सीरम को बना सकते हैं। एक वाइटनिंग कैप्सूल इसमें मैं ऐड करूँगी। वाइटनिंग कैप्सूल आपको किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से या फिर मेडिकल स्टोर से ईजीली मिल जाएगा। कैप्सूल ऐड करके आप फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से। वाइटनिंग कैप्सूल की
काफ़ी थिक होता है, इसको मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो तकरीबन ये 3 से 4 मिनट लेगा सीरम में मिक्स होने के लिए। सीरम की जो कंसिस्टेंसी है काफ़ी थिक है, तो मैं इसमें 1 स्पून रोज़ वाटर भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमें सीरम लाइक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे तो तभी इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होगी। तो आप देख रहे हैं कि मैंने रोज़ वाटर इसमें ऐड किया है, अब 3 से 4 मिनट में इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। सीरम हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छा सा वाइटनिंग ग्लोइंग सीरम हमारा तैयार है। इस सीरम को आप किस टाइम यूज़ करेंगे? इसको डे टाइम में यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ग्लाइसिन ऐड है, तो ग्लाइसिन डे टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है स्किन पे, तो आप इसको नाइट टाइम यूज़ करें। नाइट टाइम आप किसी भी अच्छे फेस वाश से अपना फेस वॉश करें और इसको अप्लाई करें फेस के ऊपर। फेस के अलावा आप इसको हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, हाथों में भी अगर आपको हाथों की वाइटनिंग चाहिए, हाथ डल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सर्दियों में, तो आप हाथों पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा पाँव पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 1 मंथ तक आप इसको स्टोर करके रख लें, 1 मंथ के लिए ये नफ सीरम है, थोड़ा सा लेना है आपने और अप्लाई करना है। बहुत अच्छा सीरम है, इसको ज़रूर ट्राई करें घर पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ, इसके रिज़ल्ट मुझे अमेजिंग मिले हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इस सीरम के। और सीरम को घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये सीरम कैसा लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।